ये छोटा हाथी है, इसके पीछे के व्हील में आवाज़ आ रहा है, डिप्रेशन में। इसको चेक करना होगा, और उसका ऑयल भी बहुत लीक हो रहा है पीछे से, इसके कारण इसके ब्रेक नहीं आ रहे हैं। देखता हूँ व्हील खोल के भी। ये देखो इतना कीस आ गया सभी पार्टिकल, ड्रम का है, जरूर बेयरिंग फूट गए होंगे अंदर। पीछे से भी पूरा भर गया, लाके बताता आपको मैं अभी। देखिए अभी फटाफट खोलते, टायर निकल गया, बाजू रख देता हूँ इसको। ये देखो कितना भर गया साला ड्रम। मार के निकालना पड़ेगा इसको भी, अब बहुत खराब है वो। पुलर करते 13 के बोल्ट से इसको, तब निकलता वैसे मारने के बाद। फास्ट नहीं निकलता इतना, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं खुलता ना, जाम हो जाता एकदम। देखो निकल गया एकदम आराम से, ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, ऊपर कॉलर कट गई उसकी ड्रम की। उसको साफ करना पड़ेगा, ऑयल लगा उसको, गियर ऑयल। बेर ड्रम तो हट रहा है एक्सल पूरा। बेरिंग ही गया हुआ है इसमें, दिखाता मैं आपको अभी एक्सल के पास। ये देखो आप, ये जगह दिख रही ना, ऑयल सील कट के बेरिंग खत्म हो गया पूरा। इसके लिए तो एक्सल निकालना ही होगा बाहर पूरा। खुलते हैं उसके लिए, 16 नंबर के बोल्ट खोलेंगे तो निकल जाएंगे आपका एक्सल। 4 बोल्ट की फ्लैंच होती है, थोड़ी सी पुश करो उसमें, हैंड ब्रेक के इसमें अटकता है थोड़ा, बस छोड़ दिया, मगर हैंड ब्रेक में अटक रहा है अभी। पहले फ्लैंच निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्सल निकल, फ्लैंच निकल गया देखो अंदर। स्क्रॉट से दबाएंगे उसको भी, एक्सल को। उसने छोड़ दिया अंदर से फ्लैंच ने, अब स्क्रॉट से हैंड ब्रेक की पट्टी दबाएंगे ना, तब छोड़ेंगे वो। ये देखो छोड़ दिया, ये आ गया एक्सल बाहर। बाप रे, ये तो बेरिंग फूट चुका है पूरा, बड़ा कौन तो अंदर ही रह गया है, छर्रे निकल गए इसके सब। ये देखो बेरिंग का रिंग कटा हुआ बाजू, और ये फ्लैंच जिसमें ऑयल सील लगा हुआ रहता है, मोटर ऑयल सील, वो निकल गया, वो भी खत्म हो गया पूरा। निकालना पड़ेगा फोन भी अंदर ही अटका हुआ, सील भी, तो इसको मार के निकाल देते हैं, प्रेस नहीं हमारे पास, डायरेक्ट निकाल देते हैं। पर इसमें सावधानी बरतना होती है, ज़्यादा जोर से मारेंगे तो एक्सल टूट जाएंगे, एक्सल नाजुक होता है एकदम, काफ़ी ताकत लगती मार लेंगे उसको। उसके कीस भी उड़ता है, देखो मैंने ढीला करके निकाल दिया अभी उसको, डिस्टन भी निकल गया और ये बेरिंग भी, बेरिंग बोलो तो अंदर का टुकड़ा रह गया खाली, उसका ऊपर के बॉल और वो खराब हो गए, और ऊपर की बॉडी हाउसिंग में अटकी हुई। ये निकल गया देखो दोनों, डिस्टन भी और बेरिंग का कोन भी। एक्सेल को बाजू रख दो, चुनाव डाल के इसको देख लेते, छर्रे कुछ पार्ट टूटा हुआ है के अंदर, बेरिंग का कीस।
दिल चुंबक है और जर्मन के ऊपर हमने तार लपटे हुआ इस पर। देखो इसके साथ पार्टिकल आता है, उसको साफ करके फिर एक बार डालता हूँ। बेरिंग के टुकड़े बहुत जाली आया था ना, ऐसे टक्कर आ जाती है, पर जो भी होता है और जो मुझे भाग जाती है तो वो आती है दोबारा और बार चेक करते हैं। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज यज्ञ जयंती के साथ साधु 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 लग रहा है, चेक कर लेंगे इसके साथ, बस अब साफ करके रख देंगे। कुछ नहीं है, ऑयल भी कम है इसमें, ऑयल भी खराब हो गया बात कोड निकाल जाएगा, बेरिंग का बचाओ मार के निकालो, नहीं उसको तो पिल्लर कर इस तरह से पिल्लर निकल जाए दो मिनट। ये ऑयल से नहीं ना जो एक्सल में होती है फ्लैज में बैठती है, चेक करने का इसको कभी टाइट है कि नहीं लिए उसको, अच्छी टाइट है उसमें ठोक देते बॉडी में। क्लीन जगह रख के ठोकना उसको कभी, बैठ गई अंदर लेवल होना चाहिए एकदम ऑयल सील। ये पास रख देते हैं गैस का काम, अंदर की सील खराब होगी तो वो सील बनने का अपना इनर सील उसको ठोक देते पहले। जहाँ तक वहाँ तक हाथ से लौटना उसको, फिर बाद में पंच करना बैठ गए फिर भी बार थोड़ा और मारूंगा डिस्टेंस और अच्छे चले जाएंगे अंदर। चलेगी देखो पूरी काम है ये पैकिंग एक्सेल की, बहुत ज़रूरी है पैकिंग, उसको वेन अबाउंट लगा देंगे बीच पैकिंग को भी लगाना होता है और फ्लैंज को भी, दोनों को लगाएंगे तो ऑयल लीक नहीं होगा, छोड़ेंगे भी नहीं। सील के पीछे लगाने से जो पार्टिकल सड़ता है वो सड़ता नहीं डस्ट की वजह से, उसके लिए थोड़ा उसको लगा देंगे। सील में लगा देंगे डिस्टेंस के अंदर पैकिंग और एक्सेल में डाल देंगे,
फिर उसके बाद बैरिंग, फिर उसके बाद डिस्टर ठोक देंगे। ग्रीस लगा देंगे फ्लेंच को और उसको एक्सल में डाल देंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे, फिर बेयरिंग ले लेंगे। बासठ 07 2Z टू आर एस भी चलती है इसमें। थोड़ी ग्रीस लगाएंगे तो स्मूथली प्रेस होंगी अंदर, हमको तो थोड़ी सी मारना है। गाड़ी हलते रहती तो ऑयल पर और मिलते रहते। छेड़ने का काम कंपनी का है। पहले सेंटर मिलाना है, फिर रोड से मार तब तक नहीं तो फिर क्रॉस हो जाएंगे, बेरिंग फूट जाती है, क्रॉस हो गई। कमांडर से बहुत बड़ी है ये, कमांडर की तिवारी करी थी ये जैसी। इसकी लोड बहुत रहता है ना, अच्छा इस बार किस्ता ना। एकदम इजी जा रही ग्रेस की वजह से। लॉक अब डिस्टम इस्तेमाल कर भी खोलेंगे। निकालते टेम्पो में देखिए रजिस्टर रख के मारना है, पर सील साइज खराब नहीं होता है। इस तरह से ना छोड़ने में प्रेस हो जाता है। नहीं पाइप भी नहीं, हम तो मार देता हूँ इसको, इसकी यही काट सकता हूँ। बेरिंग है तुम्हारे पास आणि आता याच्यावर तुम्ही खातोडी मार दणका कसकन घाव घेते तिथे काही डस्टबिन लागतंय। एक्सेल की मीनिंग साफ कर लेंगे। ब्रश तो ब्रश अच्छा रहता है साफ करने के लिए, स्क्रैच भी नहीं पड़ते, अंदर से पूरा साफ कर देता है, डस्ट मट्टी पुरानी पैकिंग निकाल देंगे इस थाली की। थोड़ा बहुत बच गया तो वो लीक करता है, फिर उसमें से उसको उस अच्छे से साफ करने में। साफ हो गया।
स्टेशन ऐसा बोलेंगे ये मेरा असिस्टेंट है, को मैकेनिक है ये गैरेज का मालिक के खिलाफ था। ट्रम की गाली इसलिए साफ करना है कि उसमें डस्ट से आके बैठने पर जाम हो जाते हैं और फंस जाता, निकलता नहीं ब्रेक सेटिंग करने के लिए। इसके लिए पहले ही साफ कर लो अच्छे से, बैठता भी और निकलता भी। आगे पीछे दोनों तरफ से ट्यूब लगाना है उसको। हाँ, बेयरिंग की साइज से अंदर रहना सील। पूरी तरह ट्यूब अच्छे से लगना है इसको। अब एक्सल लेके उठा देंगे इसमें। इसका ब्रेक पाइप खराब है, खुलता नहीं हो, इसके लिए उसके साथ ही रखना पड़ा उसको। सील को बचा के लौटना एक्सेल को। ब्रेक की पट्टी और लिफ्ट एंड ब्रेक की पट्टी लाइनर में दोनों को दबा के लौटना पड़ता है। सतारी पट्टी तो बाद के उठा देंगे इसके अंदर इस तरह से। देखिए थोड़ा दबाएंगे ऊपर की पट्टी अटक रही है ब्रेक की और ब्रेक सेटिंग की। सर बैठ गया अबे ये दबाओ हो जाता है पट्टी दबाना है पीछे पीछे से देख लो बैठा है कि नहीं। सेल भी बैठ गया, पंच को मारना पड़ेगा। वो भी बैठ गया, वो देखो आगे बोल्ट टाइट करेंगे प्रेस हो जाएंगे अंदर ऑटोमेटिक 16 के बोल्ट है। लग गए थे डबल डबल नट रहे थे, लॉक नट के साथ रहे थे। सिंगल एक डबल तीन तीन मैकेनिक पास करा करू बाद में अपन टीम भरने वाले रेडी हो गया इधर से थोड़ा थोड़ा। क्या इसका हवा होजिंग का गैस निकलने का होल है
प्रैक्टिस हो जाती है इसमें। खराब आई धंधा ही लोग एकदम कोई भी कम है इसमें गोले हो गए उसमें गोले अंदर साफ कर लिया प्लेट मार स्पाइल लग गया था पूरा उससे ब्रेक नहीं आएंगे आपके तो बिठा देंगे उसको साफ करके जरूरी है नहीं तो पूरा घेरा ही लाएगा प्रत्येक गोष्ट साफ करना फिर उसमें ड्रम लगा देते ब्रेक आपकी एकदम राइट रहेंगे चेक कर लो थोड़ा मार ताकि कहीं टकना रहे बाद में घसेंगे बजेंगे लाइनर सब प्रॉब्लम आएंगे समझ में नहीं आएगा क्या नहीं और उसमें कैसे आइल नहीं हमता उधार रखने को नहीं चीज में इनकम नहीं ना कैंसर नजर से हो गया था नजर ना? नजर लगने से कैंसर होता नजर नजर लगने से नजर लगने से 70 फूटता तो कैंसर क्या कैंसर उससे होता साबित करो बोलना साइंस को कैंसर कैसे हो रहा उठ के तमाकू का एक बहाना है लुक कैसे नजर लग क्या भैया पूरा खाते बाबा वो ऐसा बोलने की वजह से कैंसर होता नहीं खाना वाला कैंसर नेट से लो पाइप लगा के डालना पड़ता है एक लीटर डाल दिया या आधा लीटर लेवल के लिए थर्ड रॉड पूरा एक लीटर बैठ जाएंगे फिक्स उसके साथ ही जब ऑयल लेवल हो जाएगा तो पीछे के प्लग में से ऐसे निकलने लगेंगे टपक रहा है देखो नीचे जब आ गया तो प्लग लगा देंगे उसको साफ कर लेंगे समझ में नहीं आएंगे बाद लीक हुआ तो पैर बिठा देंगे गाड़ी की ट्रायल चल इसके हाउसिंग के प्लग वो लगा दिया ना पूरा ये हो गया ओके एक्सेल बेरिंग ठीक है